नवनियुक्त आरक्षकों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने नवनियुक्त आरक्षकों को कई नसीहतें दी। मुख्यमंत्री ने कहा, इस वर्दी की मर्यादा कभी मत भूलना, वर्दी की इज्जत हमेशा रखना, इसको कभी कलंकित मत करना, हमेशा काला धंधा करने वालों से संपर्क मत रखना। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, समाज की जिम्मेदारी आपकी है और आपकी जिम्मेदारी सरकार की है, आपको जनता की कसौटी पर खरा उतरना है। नवनियुक्त आरक्षकों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश पुलिस का सीधा मतलब है सज्जनों के लिए फूल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। किसी की भी इतनी हिम्मत ना हो कि वो अपराध करे। आप जनता में भरोसा पैदा करें कि आप उनके रक्षक हैं, भक्षक नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश की धरती से डकैतों के आतंक को पूरी तरह से समाप्त किया है। डकैत तो खत्म हो गए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया या जेल चले गए। अब मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी डकैत गिरोह नहीं रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस का मतलब है सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, ये याद कर लेना। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। अपराधी आपको देख के कांप जाए, किसी की हिम्मत ना हो कि वो आपके क्षेत्र में अपराध करे। यह हमारा सूत्र है, देशभक्ति जनसेवा तो है ही, लेकिन हमें जनता के लिए, आम जन के लिए, और इसलिए आम आदमी अगर आपको देखे तो उसके मन में ये भरोसा पैदा होना चाहिए कि ये मेरे रक्षक हैं, मेरे रक्षक। मध्य प्रदेश पुलिस का गौरवशाली इतिहास है। अगर मध्य प्रदेश में कभी डकैतों का आतंक था तो पूछना अपने इन वरिष्ठ अफसरों से। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पर डकैत नहीं रहेंगे, और मध्य प्रदेश पुलिस के हमारे कुशल अधिकारियों के नेतृत्व ने हमारे पुलिस के जवानों ने डकैतों के आतंक को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। डाकू या तो इस धरती पर नहीं रहे या फिर आत्मसमर्पण करके जेलों में चले गए। आज कोई भी सूचीबद्ध डकैतों का गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं है। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी दो माँ हैं, एक जन्म देने वाली और दूसरी भारत माँ। आपको इन माओं के दूध की लाज रखना है। इस वर्दी की मर्यादा है, आपको उस मर्यादा की लाज रखनी है। ये वर्दी देश और प्रदेश की सुरक्षा करने के लिए है, अपराधियों को नेस्त नाबूद करने के लिए है। ये वर्दी है निर्बलों को ताकत देने और अपराधियों को कुचलने के लिए। इसमें कभी कलंक मत लगने देना। हमारा चरित्र ही हमारी पूंजी है। कई तरह के अवैध धंधे करने वाले लोग आएंगे जो आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, जिससे उनका काम आसान हो जाए। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, हमेशा इन लोगों से सतर्कता बना के रखनी है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पुलिस की वर्दी हमने पहनी है, वर्दी की मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को कभी मत भूलना। यह साधारण वर्दी नहीं है, यह वर्दी है देश की सुरक्षा की, प्रदेश की सुरक्षा की। यह वर्दी है अपराधियों को नेस्त नाबूद करने के लिए। यह वर्दी है निर्बलों को ताकत देने के लिए। यह वर्दी है अपराधियों को कुचलने के लिए, और यह वर्दी है तो सज्जनों का उद्धार करने के लिए, उनको साथ देने के लिए। इस पे कभी कलंक मत लगने देना, इस पे कभी कलंक मत लगने देना। इस वर्दी की इज्जत हमेशा रखना। और एक बात और आज कहता हूं, हमारी पूंजी है हमारा चरित्र। कई तरह के लोग हमारे आसपास आने का प्रयास करेंगे, जुए सट्टे वाले, अवैध शराब का धंधा करने वाले, गुंडे मवाली बदमाश, ये सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमारी दोस्ती अगर इधर हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं साफ साफ कह रहा हूं, छुपा के नहीं कह रहा, ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है।
ये अपना जाल फैलाने का प्रयास करते हैं, काले धंधे इनके चलते रहे, और इसलिए ये अपने संबंध हर जगह बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से हमको सावधान रहने की कोशिश करनी है। समारोह में गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नवनियुक्त आरक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप नौजवान हैं, आप में जज्बा है, जुनून दोनों है, समाज की जिम्मेदारी आपकी है और आपकी जिम्मेदारी सरकार की है, आपको अपने भाव, कर्म और वाणी अच्छे रखने हैं, आप निडर होकर काम करें, कोई आप पे शक करे तो भी आपको नहीं डरना है, क्योंकि बातें उन्हीं की होती हैं जिनकी कोई बात होती है, आपको जनता की कसौटी पर खरा उतरना है। आप नौजवान साथी हैं, आप में करने का जोश है, आप में करने का जुनून है, आप में करने का जज्बा है, और इसलिए आज से समाज की जिम्मेदारी आपकी होगी और आपकी जिम्मेदारी इस सरकार की होगी जो सामने बैठे हुए हैं। आप किसी बात की चिंता मत करना, जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, पर पानी अगर खारा हो तो फूल बगिया में फूल नहीं खिलते मेरे मित्रों। और इसलिए मेरा कहना है कि भाव अच्छे रखो, कर्म भी अच्छे रखो और वाणी भी अच्छे रखो। ये मध्य प्रदेश की पुलिस के जवानों, आपकी फुलबगिया ऐसे महकेगी कि हम हिंदुस्तान के अंदर एक नई छवि लेके आप सबकी मेहनत से, आप सबके परिश्रम से, आप सबकी योग्यता से लेके आएंगे। आपकी वाणी में ओज है। अभी मेरा मित्र पुलिस के जवान वो गाना गा रहे थे जो गाना कभी गायकों ने गाया था, और क्या गाना गाया आप सबने। वास्तव में आप साधुवाद के पात्र हो, आप धन्यवाद के पात्र हो, आप वंदनीय हो। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।